15 जून को लद्दाख की गलवन घाटी में जो कायराना हरकत चीन ने की, उसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। करीब 98 साल के बाद चीन के साथ एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। चीन गलवन घाटी से पीछे हटने को तैयार नहीं, तो भारत भी अपनी एक इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं जमी हुई हैं। भारत ने भी चीन की चालाकियों का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। साल 1962 में युद्ध के समय चीन ने जीत की स्थिति में युद्ध विराम घोषित किया था। इसी पारंपरिक आधार पर समझा जाता है कि भारत के खिलाफ चीन का पलड़ा भारी है। लेकिन अमेरिका के बोस्टन और वॉशिंगटन में हुए ताज़ा अध्ययन की माने तो पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक स्थितियों में भारत बेहतर स्थिति में है। यानी हाल ही में जहां संघर्ष हुआ, वहां भी भारत की भौगोलिक स्थिति मजबूत है। लेकिन यहां मुद्दे की बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा देश भारत का साथ देगा और कौन सा साथ नहीं देगा। दरअसल मौजूदा हालातों में चीन पर भारत भारी पड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि हाल के सालों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को बेहतर किया है, जबकि चीन अपने पड़ोसियों को ही अपना दुश्मन बना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिणी चीन सागर में चीन का दखल है। जबकि युद्ध जैसे हालातों में भारत ने चीन को हराने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक चतुर्भुज बनाया है। अगर युद्ध छिड़ता है तो ये चार देश भारत के साथ आ सकते हैं। चीन को हराने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त मोर्चा तैयार किया है, जिसका नाम क्वाड है। इस ग्रुप में भारत के साथ जुड़े सभी देश, उनसे चीन की अनबन चल रही है। कोरोना की वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन को सबक सिखाने की कोशिश में है, तो प्रशांत महासागर पर चीन की दखलंदाजी की वजह से जापान से भी उसके मतभेद चल रहे हैं। ऐसे में युद्ध के हालातों में ये देश भारत के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर भारत का चीन से युद्ध होता है तो वो कौन कौन से देश हैं जो भारत का साथ दे सकते हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आखिर ये क्वाड है क्या और ये किस तरह से युद्ध में भारत का पक्ष ले सकता है। चीन को मात देने के लिए भारत का प्लान क्वाड। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 45 साल में पहली बार सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। इसके बाद सीमा पर तनाव और बढ़ गया और 1962 वाले हालात बनते दिख रहे हैं। हालात तो वही हैं, लेकिन आज का भारत 62 साल पुराना वाला भारत नहीं है, वो उससे बहुत अलग है। क्योंकि चीन को घेरने के लिए आज भारत के पास अलग रणनीति है, जिस पर वो पिछले काफी सालों से काम कर रहा था। अगर युद्ध होता है तो दुनिया के कौन कौन से देश भारत का साथ दे सकते हैं और कौन कौन से देश चीन का। दुनिया भर के स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत का पलड़ा भारी है। मौजूदा समय में अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो क्वाड से जुड़े देश भारत का साथ दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों ही देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। क्वाड या क्यूसिट ग्रुप, जिसे द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, भारत और जापान भी इस ग्रुप का हिस्सा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चीन के साथ युद्ध के हालात बनते हैं तो क्वाड देश सबसे पहले भारत की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। साल 2007 में इस ग्रुप की नींव रखी गई थी। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अपना समर्थन दिया था। लेकिन उसके बाद करीब 10 सालों तक इस ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन 2017 के बाद से ये चारों देश लगातार बैठक कर रहे हैं। क्वाड ग्रुप में शामिल सभी देशों की एक ही चिंता है और वो है चीन का बढ़ता हुआ दबदबा, खासकर उसकी विस्तारवादी नीति। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसके बावजूद अगर चीन किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ये चारों देश साथ आ सकते हैं। और अभी चीन के साथ भारत की जो ये तनातनी चल रही है, उसमें ये देश भारत का साथ दे सकते हैं। 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वाड ग्रुप की 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसी साल मार्च में कोरोना वायरस को लेकर क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई थी,
इस मीटिंग में पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। इस मीटिंग में वियतनाम को शामिल करना भी एक रणनीति ही थी, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन वियतनाम के समंदर में दखल दे रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच अक्सर तल्खी बढ़ जाती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की चीन से खुन्नस। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन सालों पुराने हैं। आजादी से पहले भी दोनों विश्व युद्ध में एक साथ लड़े हैं। 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सैन्य सहायता दी थी। कोरोना की वजह से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी बयानबाजी हो चुकी है। इसकी वजह से चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में दरार आई है। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। अगर युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रेलिया भारत के पाले में खड़ा नजर आ सकता है। वहीं भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। अमेरिका और भारत की दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि पिछले 12 सालों में भारत ने अमेरिका से 18 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। इतना ही नहीं, चीन को काउंटर करने के लिए ही ट्रंप ने 2016 में भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। इसी साल ट्रंप ने फरवरी में भारत का दौरा किया था। तब भी दोनों देशों के बीच 2.6 अरब डॉलर की लागत से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील को मंजूरी दी गई थी। और वैसे भी कोरोना की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ये तनाव इस हद तक पहुंच गया था कि अमेरिका समेत कई देश चीन पर हर्जाना तक ठोक रहे थे। वहीं दक्षिणी चीन सागर में भी दोनों देश आमने सामने हैं। इसराइल भी हथियारों की दे सकता है मदद। इसराइल और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दरअसल दोनों देश एक ही समय में आजाद हुए थे। शुरुआती तल्खी के बाद भी इसराइल ने हमेशा ही भारत की मदद की है, फिर चाहे वो 1962 की जंग हो या फिर 1971 या 1999। पिछले साल पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जिस स्पाइस 2000 बमों से मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, वो स्पाइस 2000 बम इसराइल से ही आए थे। इतना ही नहीं, 1968 में जब भारत ने रॉ का गठन किया था, तब इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही इसमें मदद की थी। अगर आज चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो फिर से एक बार इसराइल भारत की मदद कर सकता है। इसराइल अगर खुलकर सामने भी नहीं आता है तो उसके हथियार चीन का काम तमाम करने के लिए भारत की मदद करेंगे। दोस्तों, ये वो देश हैं जो भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो खुलकर भारत के साथ खड़े नजर आएंगे। आइए अब आप लोगों को उन देशों के बारे में बताते हैं जो चीन के साथ खड़े होंगे। हालांकि उम्मीद कम है कि पाकिस्तान को छोड़कर और कोई भी देश चीन का साथ देगा। चीन का साथ दे सकता है पाकिस्तान। दोस्तों, एशिया में चीन की मदद केवल एक ही देश कर सकता है और वो है पाकिस्तान। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन के फेंके हुए टुकड़ों पर ही पलता है। चीन ने पाकिस्तान को अपने कर्ज के बोझ तले दबा रखा है, या यूं कहें कि चीन के आगे पाकिस्तान ने खुद को गिरवी रखा हुआ है। भुखमरी और गरीबी से परेशान पाकिस्तान के पास कोई और चारा भी नहीं है। इसीलिए भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान चीन का साथ जरूर देगा। इस बात को खुद चीन भी बोल चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर LAC पर तनाव बढ़ता है तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की सेनाओं का दबाव झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान इसलिए भी चीन का साथ देगा क्योंकि अब वो पूरी तरह से उस पर निर्भर है। चीन की नीतियों से दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा बने। दरअसल चीन एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के चक्कर में अपने दोस्तों को खोता चला गया। इस चक्कर में उसने अपने दुश्मन ज्यादा पैदा कर लिए। इसके पीछे है चीन की विस्तारवादी नीति। इस वजह से उसके पड़ोसियों से उसके संबंध भी खराब हुए हैं। लेकिन ताइवान और हांगकांग से चीन को चुनौती मिल रही है। भारत ने भी इसका समर्थन किया है। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम से उसका पंगा अक्सर चलता रहता है। सही मायनों में देखा जाए तो चीन खुद ही अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और अगर युद्ध हुआ तो चीन इसमें अकेला ही खड़ा नजर आएगा।